हेलो दोस्त, नमस्कार। ये हम गूगल क्रोम में माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर टाइप करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे क्लिक किया क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर AI टूल है। ठीक, अब देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर AI टूल के माध्यम से हम थंबनेल कैसे बनाते हैं और इसमें बहुत सारे थंबनेल ऑटोमेटिकली बनाए जा सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं जो भी थंबनेल हमको बनाना है, हम अभी क्या टाइप करते हैं, ये है वेबसाइट डिजाइन। अब जैसा ही टाइप किया हमने और ये डिजाइन हो गया, नीचे कुछ बटन्स दिए हैं, एड इमेज, जनरेट इमेज। अब जनरेट इमेज पे क्लिक कर, अब देखो ये इमेज आ गई। हमको ऑटोमेटिकली इमेज प्राप्त हो जाती है। आप जनरेट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ इधर थंबनेल आपको जनरेट हो रहे हैं। आप थोड़ा इंतजारी कीजिए क्योंकि ये थोड़ा जनरेट होने में टाइम लगता है, और जनरेट हो गया है तो देखिए क्या हमने कुछ नहीं किया। जो भी थंबनेल बनाना है उसका हमको टाइप करना है। आप यहाँ पे ऐड इमेज में हम यहाँ से इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे ये इसका QR कोड है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। आपको धीरे धीरे मज़ा आएगा क्योंकि इस पर कोई मेहनत करना नहीं है, और इसी वे में जैसे चाहे वैसे जिस साइज में चाहे वैसे थंबनेल बना सकते हैं। ये यहाँ पे हमने साइज पे क्लिक किया और यहाँ साइज पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक हाफ ये थंबनेल उस साइज में आ गए हैं जिस साइज में हमें कुछ चाहिए। फिर सब साइज में जाते हैं, आप देखिए जैसे हमने क्लिक किया ये बटन आ गई लैंडस्केप के, लैंडस्केप पे क्लिक किया और ये देखिए अब जनरेट हो रही है। आपको भी मजा आ रहा होगा, देखिए जैसे चाहिए वैसे और उससे भी बेहतरीन जिसके आपने कल्पना नहीं की। नेक्स्ट फिर से डिजाइन पे गए और हमने क्लिक किया पोर्ट्रेट पे, आप ये पोर्ट्रेट पे इमेज जनरेट हो गई। मतलब एक्चुअल में आपको जो चाहिए वैसे डिजाइन ऑटोमेटिकली बन जाती है, थंबनेल ऑटोमेटिकली बन जाता है, और एक समय में लाखों थंबनेल बना के हमको बेचना है। देखिए यहाँ ब्रिंग योर फाइल हियर, यहाँ जहाँ आपके फाइल है वो फाइल यहाँ से अपन ले सकते हैं, फोटो इमेज, और इसमें अब हम देखते हैं इसमें एक फोटो लेके आपको बताते हैं जिसमें डाउनलोड में गया और ये फोटो उठाई। अब आपको
सिंपली आपको जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करते जाइए आप, धीरे धीरे ये टूल आपको समझ में आएगा। यह हम क्यों कर रहे हैं, हाउ टर्न डिजिटल मनी बाय माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर AI टूल। ये AI टूल के माध्यम से हम बहुत सारे थंबनेल ऐसे में बना के हमको पैसे कमाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम ये थंबनेल है, इसके साइज है, अब हम लैंडस्केप में करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य इस YouTube के पीछे थंबनेल बनाना है। अब इतने सारे थंबनेल बना के हम क्या करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं ये सब थंबनेल को आप बनाकर सेव कर सकते हैं, डाउनलोड करते हैं और इसको हमको बेचना है। मान लो कि एक मशीन से जैसे बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, आप ये AI टूल की मदद से सब संभव है। हम देखिए कितने बढ़िया बढ़िया थंबनेल यहाँ क्रिएट हो रहे हैं और ये सब थंबनेल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप बेच सकते हैं। इस YouTube को आप कंटिन्यू में देखिए, ये बेचना कहाँ है इसके बारे में मैंने बताया गया है। कस्टमाइज डिजाइन ये ऑप्शन है यहाँ पे, कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको। यहाँ इधर मैनेज है, टेम्पलेट है, इसको हटा देते हैं। बढ़िया है, टेक्स्ट है, सब यहाँ पे है। ऑटोमेटिक टेम्पलेट भी है, यहाँ से टेम्पलेट भी उठा सकते हैं आप। यदि कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो कर सकते हैं। और हम देखें सुमित्रो, आपको समझ में आ जाऊंगा, इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और कंटिन्यू इस पर काम करना पड़ेगा, तो आपकी स्किल और आपके माइंड से बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं। अभी हमने टेक्स्ट पे ये टेक्स्ट देखिए, हम टेक्स्ट में जैसा चाहे वैसा करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, सब टूल्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो भी करेक्शन करोगे बगल में ऑटोमेटिक करेक्शन होता है और ऑटोमेटिक थंबनेल जनरेट होती है। और digitalmoney.com ही मैंने वेबसाइट का नाम है, आप भी टेक्स्ट के लिए मैंने बताया गया है, आप ये टेक्स्ट आप डाल सकते हो। अर्न डिजिटल मनी डॉट डॉट कॉम लिखा है, जबकि अर्न डिजिटल मनी डॉट कॉम है मेरे वेबसाइट का नाम। मेन उद्देश्य हमारा इससे केक पैसे कमाना है। यहाँ देखिए साइज भी बढ़ा सकते हैं, ये टेक्स्ट का कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये AI टूल बहुत ही इजी है। और
ये एक समय में बहुत सारे डिजाइन क्रिएट करके देता है, थोड़ा सा जनरेट होने में टाइम लेता है। अब मैं जो कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, देखिए ये सब ऑप्शन है, आप इससे भी बेहतरीन बना सकते हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। सब ओपेसिटी, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड सब ऑप्शन है यहाँ पे, आप बारी बारी इसको करके देखिए, यहाँ यूज़ होता है इसका यूज़ कीजिए, और बेहतरीन थंबनेल बना के हम बेचना है। सब आप देखते हैं प्रैक्टिकल करके तो आपको समझ में आएगा। अब आप जब तक आप पूरा इसमें ये अंडू जो भी हम करते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाऊँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम देखें हर एक टूल्स यहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं, बारी बारी समझाया गया है, पर आपको प्रैक्टिकल जब करके देखोगे तब बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत सारे थंबनेल इसी टूल के माध्यम से बनाता हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जैसे चाहे वैसे थंबनेल हमको मिल जाती है। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन आते हैं, कॉपी कर, डिलीट, पेस्ट, पोजीशन, सबको इस्तेमाल करके देखिए आप। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, और एक बार आपने इसको सीख लिया वो ज़िंदगी भर आपको पैसे कमाना है। अब आप देखिए टेम्पलेट पे बहुत बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट है, बहुत सुंदर टेम्पलेट है। ऑटोमेटिकली यहाँ से हम उठा भी सकते हैं, कितने बढ़िया टेम्पलेट है। देखिए वाह बहुत बड़ी, इतनी सारी टेम्पलेट और वो फ्रेम है हम मिलते हैं। अब आपको केवल क्लिक करके उसको आपके डिजाइन में शामिल करना है। वक्त देखिए ये हम टेम्पलेट यहाँ से उठाते हैं, ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाता है। एक अब आप नेक्स्ट वाले हम टेम्पलेट देखें, इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए पूरे डिजाइन पूरा सिस्टम पूरा मतलब
टेम्पलेट जैसे वैसे यहाँ ऑटोमेटिक आ जाती है, हमको कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली इसको प्रैक्टिकल करके देखना है, ये सब ऑप्शन है, डुप्लीकेट पेस्ट कॉपी। इसको आप करके देखना पड़ेगा। देखिए सेट एज बैकग्राउंड बैकग्राउंड, और भी यहाँ पे पोजीशन भी है सेम बैकग्राउंड। हम देखिए मतलब आप वो यहाँ हर प्रकार के टूल्स हैं, आप जैसा चाहे वैसा इस AI टूल के माध्यम से कर सकते हैं। आप डिलीट किया तो डिलीट हो जाता, कॉपी करो कॉपी हो जाता, पेस्ट करो पेस्ट हो जाता। हम देखिए ये हमारा टूल डिलीट भी कर देता, मतलब हमको जैसा चाहिए वैसा इस थंबनेल के सहारे इस थंबनेल को बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। और ये सब संभव माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर AI टूल के माध्यम से ही है, क्योंकि ये एक समय में बहुत सारे डिजाइन क्रिएट करके देता है, और चीज़ भी साइज में चाहिए वो साइज में ऑटोमेटिकली हमको बिना मेहनत करके मिलती है। तो दोस्तों हमको इसकी मदद से थंबनेल बनाना है, मिशन हम यहाँ से हटाने के बाद भी वो ऑटोमेटिक आ रहा है। जनरेट हो गया है, अंदर जैसा भी चाहे वैसा ये माय मीडिया, इसमें बहुत सारे फोटोज ड्राइवर ऑटोमेटिक फोल्डर यहाँ से हम जो भी चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आप भी देखिए विजुलाइजेशन, मतलब इसमें से यहाँ हमारे पास बहुत सारे फोटोज है, ग्राफिक्स है, वीडियोज है, और जो हमको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। इसको छोटा बड़ा यहाँ पे पूरा करेक्शन होता है एक साथ। थोड़ा सा भी हमने अगर पेज पे देखे अब इस पेज पे हम छोटा बड़ा कर रहे करके हमने, और उसको यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर दिया। हम ये हमारा बेहतरीन थंबनेल बन रहा है। हम देखिए इसमें कलर भी कर सकते हैं, आपको सब सुविधा है यहाँ पे। रिसेंटली यूज सजेशन फिर चाहे वैसा कलर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठंडे आपको बारी बारी से एक चीज करके देखना है, और यहाँ हमने क्लिक किया और ये कलर चेंज हो गया, ब्लैक भी किया तो ब्लैक हो गया, व्हाइट भी किया व्हाइट हो गया, जो चाहे वैसा हम कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं। और बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं। हम देखिए ये कलर चूज किया हमने, अब यहाँ इफेक्ट भी है,
काफी बैंक पे लगा सकते हैं। इसे देखिए हमारा साइड और दूसरे साइड है ना, हमारे डिजाइन ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाता है। फिर ये बोल रहा है यू आर एडिट हैव नॉट बीन सेव्ड, सेव नहीं हुआ है इसके कारण ऐसा हो रहा है, उसको रिफ्रेश करके आप कर सकते हैं। एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम फिर मैं यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे खाली आपको क्लिक करके देखना है आपको जो पे अच्छा लगे, जो मैं सूटवे पर लग गया आपको करना है। ये देखिए जैसा यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा ये सब पूरा करेक्शन पूरा क्रिएशन पूरा क्रिएट हो जाता है इधर बहुत इजीली स्मूथली बहुत ही आसान है। आपको केवल एक बार करके देखना है। ये सब इसलिए करना है कि हमारा उद्देश्य ऑनलाइन डिजिटल मनी बाय यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ए टूल। तो ये डिजाइनर ए टूल ये मशीन है और मशीन से हमको बंच में थंबनेल बनाना है और वो भी इजीली, और वो थंबनेल आपको बना के बेचना है और वो भी बेच के हमको पैसे हमारे खाते में प्राप्त करना है। खाली एक बार आपको इसको करना है। हम देखो इधर से मैंने जो क्रिएट हुई है आइडियाज भी देखे हैं, यहाँ से हमने क्रिएट किए डायरेक्ट वहाँ से भी हम उठा सकते हैं। इसमें बहुत सारे हार्ड एडजस्ट करने के लिए टूल्स है, जैसा ब्राइटनेस है कॉन्ट्रा है सैचुरेशन है। अब देखो ये सैचुरेशन में थोड़ा कम ज़्यादा करने से इफेक्ट देता है इधर है ना। बहुत ही बढ़िया मस्त टूल है ये, नहीं पसंद है तो आप रिस्टोर करके ओरिजिनल में जा सकते हैं। आगे बहुत सारे शार्पनेस ये सब टूल्स यहाँ पे हैं। तो दोस्तों थोड़ा मज़ा लो और रिफ्रेश माइंड से करो। ये वो सब टूल्स है यहाँ मौजूद इधर, ये फिल्टर हो रहा है एडजस्ट करने पर पार तक फन स्टो। इसको आपको बार बार करके देखना है। तो दोस्तों हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम सब पैसे कमाएं, एंड बाकी के ऑप्शन भी है रिप्लेस है रिमूव बैकग्राउंड है क्रॉप है। यहाँ पे अब छोटा सा देखते हैं टेक्स्ट पे थोड़ा सा काम अपन को सीखना है, और क्योंकि टेक्स्ट में बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। देखिए सब सारे टेक्स्ट है, डेडलाइन आए क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई, और अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं।
टेक्स्ट में बहुत सारे ऑटोमेटिक। अब देखो जेनरेट हो जाते, ये देखिए जेनरेट हो गया एड हेडलाइन, ये देखो इधर नया ऑटोमेटिकली आ गया, बहुत बढ़िया है। क्योंकि तो हमको बाकी जगह ऐसा नहीं है, ऐसे फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। हम बाकी देखते देखते हमारे आप पसंद वो डिजाइन कलर वो सब चेंजेस हो जाता है और बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं हमको। अब यहाँ टाइप करते हैं, फिर जैसा ही डी किया है वैसे इधर करेक्शन किया। थोड़ा ध्यान से देखो डिजिटल बनी इस मेन पेज पे, जैसे भी हम कुछ करते हैं तो इसको साइड के सभी पेज पे बहुत सारे देखें, बहुत सारे थंबनेल चेंज हो जाते हैं। बेहतरीन बेहतरीन थंबनेल हमको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ये वही है जो टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, छोटा करना आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी लैंग्वेज देना है, जिसके फॉन्ट में देना है, सॉरी फॉन्ट में जो भी देना है लैंग्वेज को हमारे पास ही है। हम देखो ये फॉन्ट में मतलब मैंने कहने के तहत जैसे हेडलाइन दिया, हम छोटा नीचे वाला भी दे सकते मतलब सब हम ले सकते हैं यहाँ से। हम मेन पेज पे जैसा ही कुछ करते हैं तो बाकी साइड के पेज में करेक्शन हो जाता है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बस एक बार आपको करना है, बहुत ईजी है। देखिए कलर भी चेंज हो जाते हैं। जैसा हमने इसके बैकग्राउंड में चेंज करें कलर, वो इस प्रकार यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट पे डिजाइन में, और बेहतरीन से बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। अब हाँ डिजिटल मनी पे हम करते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से बारीकाई से देखो सब हो रहा है ठीक। हमने कुछ नहीं करा, ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक किया तो सबसे हमको मिल रहे हैं। इसको ऊपर नीचे करके आप जो ऐसे चाहिए वैसे डिजाइन पर क्लिक करो, उधर वो सेव हो जाता है। ये देखिए आप हमको ये वाली चाहिए तो ये वाली पे क्लिक करो ठीक है। एंड आपको मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाली एक बार आपको ये पूरा यूट्यूब देखना है, सीखना है। और यदि आपको ऐसा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप भी अपने दोस्तों मित्रों को बताइए कि जिससे वो सीख सकें। क्योंकि दोस्तों हमारा देने का उद्देश्य हो तो हमको मिलता भी है, इसीलिए देना सीखो। हम देखिए हमने क्या किया, इधर हमने क्लिक किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास अच्छा थंबनेल आ गए हैं साइड में जनरेट।
क्लिक किया, ये साइट जो है आइडिया, यहाँ से जितने सारे जनरेट हुए हैं वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। अभी है डिजिटल मनी, अभी ये हो गया हमारा, तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ सेव का भी ऑप्शन है, देखिए डाउनलोड, इसमें सभी फॉर्मेट में अपन कर सकते हैं। PNG फॉर्मेट हमको डाउनलोड करना है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि ऑटोमेटिकली अपनी है, अब हो सकता है आपके इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमूव वाटरमार्क, ठीक। यहाँ ऐसा भी हो सकता है आपके इसमें, आपको इसको क्लिक करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें जो वाटरमार्क है वो नहीं आएगा, अन्यथा आपके इसमें वाटरमार्क आएगा। जब हम कहें इसको डाउनलोड कर लिया, अब डाउनलोड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारा ओके हो गया। और अब उसको डाउनलोड होने के बाद हम जैसे चाहे वैसे फोल्डर में इसको सेव कर सकते। अभी हम सेव कर रहे हैं, जैसा हम फोटो को इमेज को सेव ऐड करते और नाम देते, इस प्रकार इसको भी हम सेव करके रीनेम भी कर सकते हैं। चलो ये हम अभी इसको रीनेम करते हैं। ये इसलिए हम समझा रहे हैं आपको कि ये सब बनने के बाद हमको जमा करना है, कलेक्शन करना है, ठीक। बेहतरीन से बेहतरीन आप थंबनेल बना सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन वेबसाइट डिज़ाइन बना सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन पेज बना सकते हैं। और ये देखिए अब हम क्या करते हैं, ये वो साइट है जिसमें हमको बेचना है। देखिए ये मैं वो साइट बता रहा है, जैसे फाइवर है, ये फ्रीलांसर है, ये सब मैंने, हाँ प्लेटफॉर्म दिए हैं। ये सब प्लेटफॉर्म पे जाना है आपको बारी बारी से, इसमें लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो जो ऑप्शन जानकारी मांग रहा है उसको देना है। अब देखो इसमें कुछ .com वाले प्लेटफॉर्म, कुछ .in वाले प्लेटफॉर्म में जो इंडिया के हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हमको जाना है और इस प्लेटफॉर्म पे हमको कीक बनाना है। कीक बनाने से मतलब ये देने की विज्ञापन बनाना है और हमारे ये प्रोडक्ट को बेचना है। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम, ये पैसा हमारा कहाँ आएगा, तो ये है गेटवे पेपॉल, इसको भी लॉगिन करना है और अपने अकाउंट साथ इसको जोड़ना है। जब वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमारी राशि हमारे पेपॉल के माध्यम से हमारे खाते में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा और टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।